किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की कृषि साक्षरता सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है नेट हाउस में सब्जी की खेती। भाइयों, खुले में सब्जियों की खेती करने पर अक्सर गर्मी, सर्दी, बारिश, आंधी और कीड़े मकोड़ों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऊपर से परिवार के निरंतर छोटे होते जाने से खेत का जोत भी छोटा हो गया है। ऐसे में आपको जरूरत है नेट हाउस फार्मिंग की, जो आपको कम लागत में अधिक आर्थिक मुनाफा दिलाए। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपनी फसल और मौसम के बारे में सही जानकारी पाने के लिए सयाजी सीड्स की चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेट हाउस फार्मिंग के फायदे। नेट हाउस से खेती करने पर न केवल आपकी फसल का बचाव होता है, बल्कि पानी की खपत भी काफी कम हो जाती है। ओलों से बचाव होता है, पौधे की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। पौध वृद्धि, उपज और क्वालिटी के मामले में नेट हाउस के अंदर पैदा होने वाली सब्जियां बाहर लगी फसल की तुलना में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। किन सब्जी फसलों का चुनाव करें? नेट हाउस से बेमौसमी सब्जियों के लिए उन सब्जियों को चुनें जिनकी बाजार मांग अधिक हो और उनसे आपको एक अच्छी कीमत भी मिले, जैसे बारिश में शिमला मिर्च, टमाटर और अगेती फूल गोभी, जाड़े में मिर्च, चेरी टमाटर और गर्मियों में भिंडी, मिर्च, अगेती फूल गोभी, पत्ता गोभी, तरबूज, खरबूज, लौकी, करेला, ककड़ी, खीरा वगैरह सब्जियां ली जा सकती हैं। नेट हाउस बनाने के लिए जरूरी सामग्री। नेट हाउस तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे ग्रीन शेड नेट, सफेद एग्रोनेट, लोहे की कील, नायलॉन रस्सी, एल्यूमिनियम का ढांचा, पास, पानी का शावर और टपक विधि से सिंचाई के लिए जरूरी चीजें आसपास की जगहों से ही मिल जाती है। भाइयों, नेट हाउस खेती के माध्यम से आप कम भूमि में बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन साल भर करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, अगली बार हम फिर खेती की एक नई जानकारी आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। कृषि से जुड़ी सलाह पाने के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके सवालों और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा।